लता मंगेशकर को देखते ही ऑटोग्राफ लेने आ गए थे आर डी बर्मन। जाने उनकी लाइफ की दिलचस्प बातें। आज संगीतकार आर डी बर्मन का जन्मदिन है। आर डी बर्मन को सब प्यार से पंचम दा भी कहते थे। 27 जून 1939 को कलकत्ता में जन्मे पंचम दा महज 54 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। भारतीय फिल्म जगत में हमेशा याद रहने वाले नामों में से एक है राहुल देव बर्मन, जिनके नाम और काम से शायद ही कोई अनजान हो। पंचम दा से पहले और पंचम दा के बाद अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने फिल्म इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन और लाजवाब गाने दिए हों। फिल्मी दुनिया में आर डी बर्मन पंचम दा के नाम से विख्यात थे और उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया। आर डी बर्मन के पिता सचिन देव बर्मन जाने माने संगीतकार और गायक थे और उनकी मां मीरा भी गीतकार थीं। आर डी बर्मन को फिल्मों में पहला ब्रेक महमूद की फिल्म छोटे नवाब में, पंचम दा ने महमूद की फिल्म भूत बंगला में एक्टिंग भी की थी। आर डी बर्मन को मिर्ची खाने का शौक था और वह अपने नर्सरी गार्डन में अलग अलग तरह की मिर्ची उगाते थे। महज 9 साल की उम्र में पंचम दा ने अपना पहला संगीत मेरी टोपी पलटके को दिया, जिसे फिल्म फंटूश में उनके पिता ने इस्तेमाल किया। कम ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि आर डी ने जब पहली बार लता को देखा तो वह शॉर्ट्स पहने हुए ही उनका ऑटोग्राफ लेने आ गए थे। शायद आप नहीं जानते होंगे कि आर डी बर्मन बर्मन को सबसे पहले निरंजन नामक फिल्मकार ने राज के लिए 1959 में साइन किया था। आर डी ने 2 गाने रिकॉर्ड भी किए। पहला गाना आशा भोसले और गीता दत्त ने तथा दूसरा शमशाद बेगम ने गाया था। यह फिल्म बाद में बंद हो गई। पंचम दा संगीत को लेकर इतने डूबे हुए होते थे कि उन्होंने अपने गानों में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अलावा भी कई सामान्य चीजों का इस्तेमाल कर धुनें तैयार की हैं।